हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर, जिसमें आज मैं बताने वाला हूँ इंसोमनिया या नींद की जो प्रॉब्लम है वो क्या होती है, किस कारण से होती है। ठीक, नींद जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के जो बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, हमारी बॉडी के जो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, हमारी बॉडी के जो सेल की फंक्शन होती है वो नींद पे डिपेंड करती है। ठीक, ये नींद आपकी प्रॉपर होगी तो आपकी जो बॉडी की फंक्शनिंग होगी, सुबह जब आप उठेंगे तो आपको फ्रेश फील होगा, दिन में भर वीकनेस फील नहीं होगी। तो रात की 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर नींद बहुत ज़रूरी है यदि आपको हेल्दी रहना है। तो इस नींद को पैदा करने के लिए हमारी बॉडी में एक विशेष प्रकार की ग्लैंड होती है, जिसे हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड क्या करती है, एक विशेष प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज़ करती है, और ये जो हार्मोन होता है ये मेलाटोनिन नाम का होता है। ये जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है या पीनियल ग्लैंड तभी एक्टिवेट होती है जैसे अंधेरा होता है। जैसे अंधेरा होता है और हमारी आंखें अंधेरे को रीड करती हैं और वो इम्पल्स सेंड करती हैं किसको, पीनियल ग्लैंड को। और पीनियल ग्लैंड जो होती है वो एक्टिवेट होती है और प्रोड्यूस करती है एक विशेष प्रकार का हार्मोन जिसे हम बोलते हैं मेलानिन। और जैसे ही लाइट आता है, लाइट के संपर्क में आप आएंगे तो जो आपका हार्मोन है मेलाटोनिन वो निकलना बंद हो जाता है, मीन्स जो आपकी पीनियल ग्लैंड है वो डीएक्टिवेट हो जाती है। ठीक, तो इसलिए आपको याद रखना है नींद के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको डार्कनेस होना चाहिए। अंधेरा होगा तभी आपको नींद अच्छी आएगी, क्योंकि अंधेरा होगा तो आपको पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होगी और जो नॉर्मल मेलाटोनिन चाहिए होता वो निकलता रहेगा। ठीक, अगली बात करते हैं सनलाइट। सनलाइट भी नींद के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि सनलाइट से आपको विटामिन डी मिलता है, और जो विटामिन डी होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसके लिए, पीनियल ग्लैंड के फंक्शन के लिए। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन को निकालने के लिए जो आपकी विटामिन डी है वो ज़रूरी होता है। नॉर्मल विटामिन डी होना चाहिए, विटामिन डी की कमी बॉडी में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो अगला कारण होता है, हो सकता है कि आप लगातार कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लगातार मोबाइल यूज़ करते हैं, उस कारण से भी नींद में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जो कंप्यूटर का लाइट होता है, मोबाइल का लाइट होता है, वो भी क्या करता है, पीनियल ग्लैंड को डीएक्टिवेट करता है या पीनियल ग्लैंड के फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, मेलाटोनिन बन नहीं पाता है। तो इसलिए आपको मोबाइल से भी आपको दूर रहना है। ठीक, इसके अलावा बात करेंगे कि यदि आप ज़्यादा रात में खाना खा लेते हैं, सोने से पहले जस्ट आप बहुत सारा खाना खा लेते हैं, हैवी डाइट ले लेते हैं जस्ट सोने से पहले, तो वो आपको क्या करेगा, पेट में गैस प्रोड्यूस करेगा और उस कारण से फिर आपको नींद आने में समस्या हो सकती है। इसलिए खाना खाने से पहले आपको हैवी डाइट नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जो लोग शुगर लेते हैं, ज़्यादा शुगर लेते हैं, ज़्यादा मीठा लेते हैं, खासकर रात के टाइम ज़्यादा मीठा लेते हैं, तो उनकी बॉडी में ज़्यादा शुगर जाएगा तो ज़्यादा इंसुलिन बनता है, और ज़्यादा इंसुलिन बनता है तो वो कहीं ना कहीं क्या करता है, आपको नींद आने से रोकता है। वो हमेशा आपको ऐसा लगता है कि आपको अभी जगे रहना है वैसा फील कराता है, क्योंकि जैसे इंसुलिन बढ़ेगा और वो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन को प्रोड्यूस करवा देता है जो हमेशा हमें नींद से दूर रखता है। तो इसलिए रात में सोने से पहले शुगर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, रात में सोते समय शुगर ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए जो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा सोने से पहले आपको टीवी नहीं देखना चाहिए, खासकर टीवी में कॉमेडी सीरियल्स या कॉमेडी मूवी या कॉमेडी वीडियोस नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो भी आपकी नींद को डिस्टर्ब करते हैं और उनका जो लाइट होता है वो कहीं ना कहीं आपके मेलानिन को निकालने में वो क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, प्रॉपर मेलानिन निकल नहीं पाता है। इसके अलावा जो लोग कॉफ़ी पीते हैं उन लोग को भी नींद की बहुत समस्या होती है, क्योंकि कॉफ़ी भी क्या करती है, मेलानिन के फॉर्मेशन को सप्रेस करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है ना, इसके अलावा शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो वो नींद को डिस्टर्ब कर देता है, इसके अलावा शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो वो डिस्टर्ब करता है, फोलेट की कमी हो जाए तो डिस्टर्ब करता है, मतलब नींद नहीं हो पाती है, नींद प्रॉपर नहीं आती है। इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाए तो बॉडी में क्या होता है, नींद की प्रॉब्लम होती है। ठीक, इसके अलावा बात करेंगे नींद को ठीक करने के लिए, नींद को
ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। नींद के लिए जो बेस्ट होम्योपैथिक दवा है उसका नाम है पैसिफ्लोरा मदर टिंचर। तो पैसिफ्लोरा मदर टिंचर है, इस मदर टिंचर की आपको 20 बूंद रात के रात ले लीजिए, 20 ड्रॉप्स रात के रात ले लीजिए। और यदि आपको बहुत लंबे समय से नींद की प्रॉब्लम है तो इस पैसिफ्लोरा मदर टिंचर की आपको 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर, 10 बूंद शाम, इसको आपको दिन में 3 बार लेना है यदि बहुत लंबे समय से नींद की प्रॉब्लम है तो। और यदि अभी अभी प्रॉब्लम आई है तो इससे आप रात के रात 20 बूंद ले सकते हैं। पैसिफ्लोरा मदर टिंचर मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, ठीक है। और साथ में रात में 1 गिलास दूध पी लीजिए, रात में 1 गिलास दूध पी लीजिए, क्योंकि जो दूध आप लेंगे उसमें एक स्पेसिफिक टाइप का क्या होता है, ट्रिप्टोफैन होता है, एक स्पेसिफिक टाइप का असेंशियल एमिनो एसिड होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रिप्टोफैन। और ये ट्रिप्टोफैन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेलाटोनिन के फॉर्मेशन के लिए। जो मेलाटोनिन होता है जो पीनियल ग्लैंड से निकलता है उसको बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये ट्रिप्टोफैन जाएगा रात के टाइम में तो प्रॉपरली मेलाटोनिन फॉर्म होगा पीनियल ग्लैंड से एंड आपको नींद अच्छी आएगी। मेन तो है आपके पीनियल ग्लैंड के फंक्शन को हेल्दी करना है। पीनियल ग्लैंड का फंक्शन हेल्दी होगा तो आपका मेलाटोनिन प्रॉपर निकलेगा और नींद प्रॉपर आएगी। तो इसके लिए आपको जो दवा मैंने बताई है पैसिफ्लोरा वो आपको लेनी है, ठीक है। यदि इसके अलावा मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और इस प्रकार के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपका जो नॉलेज है घर बैठे अपडेट होता रहे। नमस्कार।